वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2020 का ये महीना कैसा रहेगा, बात करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, मिल लीजिए, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ इस बार। किसी से आप मिलना चाहते थे, कोई आपसे मिलना चाहता था और ये मुलाकात आपकी फरवरी में होने जा रही है। एक बहुत लंबा इंतजार आपने किया है इस मुलाकात का और ये लंबा इंतजार इस बार खत्म होने के कगार पर है, खत्म हुआ बेसिकली फरवरी के महीने में। अब ये मुलाकात कैसी होगी, क्या होगा इसमें, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में इसी वीडियो में। फिलहाल शुरू करते हैं आपका राशिफल फरवरी 2020 का। तो शुरू करते हैं आपके यात्राओं के राशिफल से। देखो भाई दोस्तों, यात्रा बहुत बढ़िया नहीं है इस बार। यात्रा करने से आप बचें, आप यात्रा में नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है और कुछ खास नहीं कहा जा सकता। अगर फरवरी में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं यात्रा करना तो ये बिल्कुल श्रेयस्कर होगा। यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ होगी कि आप यात्रा अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की धन हानि की या धन हानि या फिजिकल हार्म भी हो सकता है। ये एक वार्निंग है आपके लिए, अगर आप मानना चाहें तो आप इसको मान सकते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले यात्रा ना करें इस महीना फरवरी के महीने में। छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं बट लंबी कोई यात्रा पर ना जाएं तो अच्छा होगा। अगले हमारा सेक्शन है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सेक्शन, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। और महीना अच्छा है आपके लिए, पढ़ाई के हिसाब से महीना अच्छा है। आप अपने जो दिमाग का पूरा उपयोग करेंगे आप इस बार, आपको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम इस बार नहीं होगी इस महीने में। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, अपने आप आराम से आप पढ़ेंगे और विद मिनिमम एफर्ट आप जो है एग्ज़ाम्स को पास करेंगे। जो लोग बाग सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स या कुछ इस तरह के एग्ज़ाम्स को निकालने की सोच रहे थे, ये महीना आपके लिए अच्छा है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। अगला सेक्शन है हमारे पास में आपके लिए धन संपत्ति का सेक्शन। इस महीना आप थोड़ा सा बड़े ही आप फोर्स के साथ में आगे बढ़ेंगे। आप इस बार काफी दिनों से आपके पास में कोई फाइनेंशियल प्लान्स हैं, आप फरवरी के महीने में आप उनको बिल्कुल आप उस पर डालेंगे, मतलब आप उनको एक्शन लेंगे आप उनके ऊपर। और आप इस महीना कुछ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर भी आप फाइनेंस के या आप पैसे से संबंधित कुछ आप इन्वेस्टमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। अब इनका रिजल्ट क्या होगा कि भाई इसमें नुकसान होगा या इसमें फ़ायदा होगा, देखिए अभी ये फरवरी का महीना ना आपको नुकसान देगा ना आपको फ़ायदा देगा। इस महीना बेसिकली आप एक्शन लेंगे, उसके रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको पता लगेंगे। लेकिन एक प्री वार्निंग है, अगर आप कोई भी एक इस तरह के वेंचर्स में जा रहे हैं कि आप कोई भी रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्क वाले वेंचर्स में ना जाएं, क्योंकि मरकरी की हालत थोड़ा सा ख़राब होने वाली है आने वाले टाइम में, ओके। और अगर आप रिस्क नहीं भी लेते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई रिस्की एडवेंचर या नहीं करते हैं यहाँ पर, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी सूझबूझ से आप जो भी आपको फ़ायदा होना है उसको आप लेकर के रहेंगे आप इस महीने में। और पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छा महीना मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन आप रिस्क अवॉइड करें बस। और अब हम बात करेंगे करियर से संबंधित, उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा योग नहीं है करियर के हिसाब से इस महीना। और आपको बेसिकली क्या है कि एक बड़े ही चैलेंजिंग माहौल में इस महीना काम करना पड़ सकता है। आपको बहुत कम हेल्प मिलेगी लोगों की और एक तरीके से आपको अकेले ही डील करना पड़ेगा सारी चीज़ों में। और जो यात्राएं हैं ऑफिस के पर्पस से, वो भी कुछ खास कुछ आपको रिजल्ट नहीं देंगी। तो इस महीना आपको करना क्या चाहिए कि आपको हेल्प नहीं मिल रही, आपको जो है कोई भी सहायता नहीं मिल रही किसी से और आपको ये काम निपटाने हैं, तो ऐसे महीने में आप अपने जो सोशल नेटवर्क है आप उसका आप यूज़ करें। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जितना भी आपने बनाया है, कहीं पे लिंक्डइन पे है, कहीं पे हाईफाई पे है या फेसबुक पे है या कहीं पर भी आपके ये सोशल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, आप उनकी बहुत हेल्प लें इस महीना।
करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और आपको बिल्कुल आपको वहां से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन जो आपके इमीडिएट जो आपके साथी हैं वो आपको सहयोग नहीं करेंगे आपको इस महीना। थोड़ा सा एक एनिमिटी काइंड ऑफ, मतलब एक तरीके से उनकी तरफ से बिटरनेस इस महीना आपको देखने को मिल सकती है। और उस बिटरनेस को गायब करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप बिटर ना हो तो सामने वाला भी बिटर नहीं होगा। अगला सेक्शन है हमारे पास में हेल्थ से संबंधित, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित। देखिए फर्स्ट हाफ में आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ रहेगा, गड़बड़ रहेगा, डगमगाएगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो मामला है आपका हेल्थ का, ये बेसिकली मेंटल हेल्थ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पर। आपको लगता है कि आपने कुछ चीज़ें अचीव होने से रह गई हैं, उनके पीछे कुछ कुछ कारण थे, अब उनकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन कुछ ना झेलना पड़े, इसका आप ध्यान रखें। जब आप दूसरों से बात करें तो बिल्कुल पोलाइटली बात करें और अपने गुस्से को काबू में रखें, ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ से संबंधित। क्योंकि ये अगर आप अपने गुस्से को, बीपी को और अपनी शुगर को, अगर आपने ये तीन चीज़ें अगर आपने कंट्रोल में की तो आप अवश्य किंग होंगे। और ये तीनों चीज़ें हेल्थ से संबंधित हैं, बीपी, शुगर एंड आपका गुस्सा, एंगर, ये तीन चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। अगर आपने ये कंट्रोल की तो आपकी जो आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही शानदार रहेगी इस महीना। अब हम बात करेंगे आपके फैमिली के बारे में, यानी कि घर परिवार के बारे में, कि घर परिवार में माहौल कैसा रहेगा इस महीना। ओके, अच्छा माहौल रहेगा इस महीना, कोई दिक्कत कुछ है नहीं कुछ इस महीने में। और जो आपके घर में बच्चे हैं वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएंगे। और अगर आपके पास भी घर परिवार में अगर कुछ एक्स्ट्रा वक्त मिले तो थोड़ा सा आप उन बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा सा गेम्स खेलिए, थोड़ा सा उनको आउटडोर लेकर के जाइए, थोड़ा सा मूड चेंज कीजिए। और आपके परिवार में जो आपके यहाँ पर बड़े बूढ़े लोग आ गए वो बिल्कुल आपके साथ में खड़े हुए नज़र आएंगे इस बार, और एक अच्छा माहौल बना पाने में आप सफल होंगे अपने घर के अंदर। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि फैमिली में कुछ फंक्शन, शादी विवाह, बर्थडे पार्टीज, इस तरह की भी चीज़ें आपके परिवार में हो सकती हैं, जिससे कि एक माहौल, खुशनुमा माहौल बना रहेगा आपके चारों तरफ। और कोई बहुत कोई मैसी चीज़ें नहीं हैं इस महीना। अब हम बात करेंगे आपके स्कॉर्पियो लव और रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि इसको वृश्चिक राशि वालों के लिए लव और रिलेशनशिप के बारे में। अब हम बात करते हैं इस मुद्दे के बारे में जो यहाँ पर लिखा है कि मिल लीजिए, एक लंबा इंतजार खत्म होगा इस बार। अब हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि इस महीना जो है, अगर आप शादीशुदा हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया रहेगा इस महीना, और कोई दिक्कत इस महीना है नहीं। लेकिन आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अगर आपने इग्नोर किया तो वो एक शुरुआत हो सकती है रिश्ते को ख़त्म होने के कगार तक पहुंचाने के लिए। ओके, और जो लोग बाग सिंगल हैं, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या जिनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, वो वेट जो है वो इस महीना ख़त्म होगा। इस महीना आपकी मुलाकात होगी आपके जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं उनके साथ में। ओके, अब इस महीना शुक्र और बेसिकली मंगल दोनों मिलकर के इस तरह का एक युति बनाएंगे कि जिसमें अचानक से आपको सरप्राइज ये मुलाकात भी हो सकती है। और किसी भी प्रकार से प्रेम के मामलों में कोई भी जल्दबाजी ना दिखाएं और हैव फन, और किसी भी प्रकार का कोई मतलब कोई भी अतिरिक्त या आउट ऑफ मतलब कुछ ओवर कमिटमेंट ना करें किसी भी प्रकार से। और एक वर्क प्लेस रोमांस भी इस महीना बडिंग हो सकता है ऑफिस में इस महीना, उस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि भाई ऑफिस रोमांस भी ध्यान देने वाली चीज़ हो रही है। लेकिन अगर आपने किसी का वेट किया है काफ़ी लंबे समय से मुलाकात के लिए, तो इस महीना वो मुलाकात बिल्कुल होगी, और ये मुलाकात आपके मित्र, आपके वुड बी और या आपके फियांसी या आपके लव इंटरेस्ट, इनमें से किसी से भी हो सकती है। मुलाकात अच्छी होगी, कोई डिस्कॉर्ड नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर मैसी सिचुएशन भी दिखाई नहीं पड़ती है।
और इमोशन, ये जो महीना है आपके लिए एक तरीके से आपके मानसिक शांति और मानसिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। और आपको थोड़ा सा आपको सहयोग अवश्य मिलेगा, लेकिन वर्क प्लेस पर सहयोग मिलने की संभावना ना के बराबर है। इसी के साथ में मैं ख़त्म करता हूँ। एंड बिफोर आई गो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट देन, टेक केयर, बाय बाय।